गाइस, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी बीच में ख़राब है। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं लगा था कि मेरी वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। पाँच से दो से पाँच मिनट की ख़राब हो गई है प्लीज़। लेकिन ख़राब वीडियो दे समझकर इसको स्किप मत करना, ना ही काटना। आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इसमें यूजफुल टिप डाले हैं मैंने, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखना और इसको बिना देखे ही बंद मत करना प्लीज़। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी को दबाओ एंड शेयर करो। ठीक है, अब मैं करती हूँ। ठीक है, आगे फिर दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। तो ये मैं, हाँ दोस्त, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छी होंगे, कमेंट करके मुझे बताना। तो अभी बस 10:30 बजे हैं, मॉर्निंग का ही टाइम है। तो बस मेरा क्या काम हुआ है, डस्टिंग हुई है, अभी मेरी नाश्ता हुआ है और एक बार झाड़ू लगा दी थी डस्टिंग करने के बाद। दोबारा बस डस्टिंग कर द्वारा झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछे लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं क्या बताऊँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। तो चलिए मैं लंच की तैयारी करती हूँ। लंच में आज क्या बना रही हूँ मैं, कढ़ी। तो आप देखो मैं किस तरह से कढ़ी बनाती हूँ, पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ मैं, किस तरह से बनाती हूँ, चलिए बनाते हैं। पहले मैं यहाँ पे पकौड़े के लिए थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ, अभी मैंने पैकेट मंगाया था, उसी को ही खोल रही हूँ। जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितनी आप लोगों को कढ़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग पकौड़े ले, ये ले लेती हूँ बेसन, थोड़े से बेसन ले लेती हूँ और हल्का सा इसमें नमक डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं, क्योंकि कढ़ी में भी नमक होगा ना, इसलिए हल्का सा नमक डालती हूँ और कुछ नहीं डालती मैं इसमें। तो इसको मैं धीरे धीरे से इसको इसका पेस्ट बना लेती हूँ, धीरे धीरे से हल्के से अच्छे हाथ से फेंटते फेंटते हुए इसका पेस्ट बना लेती हूँ। और एक साइड पे मैं तेल गर्म करने के लिए रख देती हूँ, तेल गर्म हुआ इतने ही इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी फूल जाती है कढ़ाई, वो मैंने रेडी कर दिया है। और आई अभी वैसे मेरा भी बर्तन भी रखे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था मैंने डस्टिंग करी है और नाश्ता वगैरह होया है और बस ये होया है। अभी तो 10:30 बजे थे, इसमें मैं करी हुई थी, बच्चों का टाइम हो गया है, तो मैंने सब कुछ चलो पहले खाने की लंच की तैयारी कर देती। बर्तन ज़्यादा नहीं है, 2-4 बर्तन और फटाफट से हो जाएगा इससे खाने की तैयारी करने के बाद। फटाफट से देखिए ज़्यादा नहीं, इसको जितने एक साइड फेंटते जाइए फेंटते जाइए। इससे क्या है, जो पकौड़ी है वो बहुत ही फूली फूली और सॉफ्ट बनेगी। इस तरह से एक साइड फेंटते हुए बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। देखिए इस तरह से फेंटते जाइए, हल्का हल्का पानी डालिए, ज़्यादा पानी मत डालिए, नहीं तो ज़्यादा पानी डालोगे तो पतली हो जाएगी, सारा पेस्ट पतला हो जाएगा। इस तरह से मैंने हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली इसमें, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, फिर मुँह में भी आती है तो, और आजकल वैसे भी तीखी आती है। देखिए बन गया, देखिए तो चलिए इतने ये बन के तैयार होता है। इसलिए मैं कढ़ी का तेल गर्म कर हो जाएगा इतना इसमें, और कढ़ी का पेस्ट तैयार कर देती हूँ। तो मैं तेल चढ़ा देती हूँ, देखिए और इधर जग में मैं कढ़ी का पेस्ट तैयार कर देती हूँ। इधर जग में मैंने कढ़ी के लिए पैकेट, दही के पैकेट मंगाया, सॉरी लस्सी का पैकेट मंगाया मैंने, दही का भी नहीं, लस्सी के पैकेट, लस्सी से कढ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है दही की अपेक्षा, इसलिए मैंने लस्सी मंगाई है, 2 पैकेट लस्सी मंगाई है। देख लेती हूँ जितना मुझे चाहिएगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसमें लस्सी डालूँगी, और कम चाहिएगी तो कम डालूँगी, ज़्यादा चाहिएगी तो ज़्यादा डालूँगी। इतनी इतनी रख लेती हूँ मैं, इतनी लस्सी मैंने रख ली है, मतलब ये लगा लो 1.5 पैकेट लस्सी ली है मैंने, ज़्यादा नहीं, 1.5 पैकेट लस्सी ली है, पूरा पैकेट भी नहीं लिया, सॉरी चम्मच भी गिर गई मेरी। तो इसमें बस सब मैं बेसन मिला देती हूँ, जितना मुझे बेसन चाहिएगा उसके अकॉर्डिंग बेसन मिला देती हूँ मैं। लस्सी चौड़े बर्तन में नहीं, कड़ी को कभी चौड़े बर्तन में नहीं मिलाती मैं, इसलिए मिलाती क्योंकि मिलाते हैं ना तो वो छट छट के नीचे गिर जाती है, इसलिए मैं इसमें भी मिलाती हूँ। तो ये पेस्ट तैयार हो गया इसको मैं,
और इसे हैंड ग्राइंडर से इतनी जल्दी मिलती है, बस इतना मिला लो कि फटाफट से ही मिल जाए। तो गाइस यहाँ पे तेल गरम हो गया है, मैं यहाँ पे पकौड़े को बना रही हूँ। यहाँ पे एक एक करके इसमें डालती जाऊंगी। और एक साइड मैंने चावल भी भिगो के रख दिए हैं कड़ी के लिए, चावल भी भिगो के रख दिए एक साइड मैंने, जिससे कि फटाफट से चावल भीग जाएंगे तो नहीं ये बनेंगे। एक साइड में चावल बना दूंगी और एक साइड में सब्जी की भी छोड़ दूंगी। वैसे दो चूल्हे किए, इतने फटाफट से चावल बन जाएंगे, इतने ये बन के चढ़ चुकेगी, इतने फिर मैं एक साइड सब्जी छोड़ूंगी। क्योंकि कड़ी के साथ आज मैं सब्जी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे भैया आए हैं, छोटा है मेरा भाई आया है मेरा मुझसे, तो इधर पकौड़ी बन के तैयार, ये पकौड़ी देखिए बन के तैयार होंगे, इधर उलट पलट के इतने फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। और मैं दूध को एक साइड रख देती हूँ और कुकर ले आती हूँ, कुकर में मैं चावल को छौंक दूंगी फटाफट से, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है, वो आने वाले हैं फटाफट से। तो मैं एक साइड चावल बना देती हूँ, इतने ही तैयार होती है, क्योंकि आते ही आप लोग जानते हैं स्कूल से आते ही बच्चों को भूख ही लगती है। हम भी से तो हम भी जाते थे स्कूल वगैरह, तो हमें भी आते ही कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो अब तो लंच का टाइम हो रहा है, वैसे भी लंच तो चाहिए चाहिए। चलिए मैं तैयार करती हूँ। गाइस मैंने अभी मंगाया था, घी मंगाया है और ये नारियल का तेल है, छोटा ही मंगाया है। और अभी बेसन मैंने आपके साथ मैंने खोला ही था और बेसन मंगाया था, ख़त्म हो रहा था। वैसे भी सामान काफ़ी ख़त्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा चाहिए था तो ये सामान जरूरी जरूरी मैंने मंगा लिया। और लस्सी मंगाई थी आपके सामने, खोली थी लस्सी के पैकेट अभी खोले ही थे, ये सामान अभी मंगाया जस्ट, ये देखे गए हैं बस, मैं इनका काम ही अब मैंने चलो सोचा चलो आप लोगों को लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, ये चीज़ मैंने मम्मी मंगाई है। तो चलिए तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। वैसे बन गई है, पता नहीं इसमें कैसा कलर आ रहा है, पकौड़े बन चुके हैं ये, आती है बच्चों को भूख लगने वाली है। टाइम देख के आई हूँ, 11 बज चुके हैं, 11:30 बजे तक, 12:15 बजे तक वो आ जाएंगे, फिर बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं चलिए आजकल पेपर है तो पेपर की वजह से जल्दी आ जाते हैं, चलिए मैं बना लेती हूँ। तो गाइस तेल गरम हो गया, मैं कढ़ी छौंकने के लिए जा रही थी, तेल गरम हो गया, इसमें मैंने लिया है राई, जीरा और मेथी, इसलिए तेल गरम हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ। और इधर मैंने दो टमाटर, सॉरी इधर मैं खोल देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। इधर मैंने दो टमाटर लिए हैं, छोटे छोटे पीसों में काट लिया, और लिए मैंने लाल, दो लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं लिए, दो ही लिए, चलो मैं इनको और पहले तो मिर्ची को डाल देती हूँ। कड़ी मैं इसी तरह बनाती हूँ, पहले टमाटर वगैरह पेस्ट बनाकर फिर मैं कड़ी बनाती हूँ। आप लोग बना रहे इस तरह से कड़ी बहुत अच्छी लगती है, उसको मैं बनती हूँ इसी तरह से, एकदम लाजवाब टेस्ट आता है, बहुत एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना। मैं इसमें डाल रही हूँ पहले हल्दी और नमक, और इधर मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है जिससे थोड़ा गर्म हो गया है तेल, इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है फटाफट से, इसका पानी है अभी, इसमें पानी जम जाएगा दो इसमें, और इधर इधर पानी बन के तैयार हो जाएगा, टमाटर भी जाएंगे थोड़ी देर में, मैंने क्योंकि नमक डाल दिया है इसलिए इसमें टमाटर जल्दी मिल जाएंगे। तो उसके पास में कहते हैं 1 से 2 मिनट ही लगते हैं, फटाफट चला के दो फटाफट से बन जाएगा। और इधर मैंने आपको पेस्ट नहीं दिखाया था, अभी तो ये मैंने पेस्ट बना दिया है, मैं जब भी बनाती हूँ पेस्ट, जब भी बनाती हूँ बाउल वगैरह बनाती हूँ तो मुझसे फैल जाता है, इसलिए मैं गर्मी ही बनाती हूँ। पहले जब मेरे कुछ गर्म हो रहा है, पानी है इसमें थोड़ा सीज जाता है, फिर इसे चावल चौंकूंगी इसे। आप लोगों को जरूर ट्राई करना इस तरह से कढ़ी को, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। देखो गलिया
और नमक नहीं डालते तो उसमें टाइम लगता है, छोड़ना पड़ता है। और देखो तेल टमाटर में तेल भी छोड़ दिया। अगर आप लहसुन प्याज डालना चाहते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। मैं आप लोगों से यही बार बार रिपीट करती हूँ बात की कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, इसलिए मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। तो चलिए मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। जिसमें मैंने पकौड़े का पेस्ट बनाया था उसमें पानी घोल ले लिया था, उसी का घोल मैं इसमें डाल देती हूँ। और पानी में डाल दिया, क्योंकि कट जाएगी ना ये, फिर अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें मैं डाल दूँ यहाँ मिर्ची, पहले ही डाल दी थी भूल गई थी, लेकिन कलर फिर भी बहुत अच्छा आया है। और धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी इसमें, बस ये तीन मसाले डालूंगी, धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, नमक, बस यही डालूंगी, क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा मसाले तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। इधर तेल भी गया, इधर कुकर भी गर्म हो गया है, तो मैं इधर कुकर में इसको तेल को डाल देती हूँ। और मैं इधर चावल कुकर लाती हूँ, इधर मैं चावल धो लाती हूँ, क्योंकि मैंने चावल पहले ही भिगो दिए थे, ये भिगो रखे और पहले भिगो दिए, इसलिए मैं अभी इनको धो के लाती हूँ। तो यहाँ पे तेल, चावलों का तेल तैयार हो चुका है, तेल रिफाइंड तेल हाँ तैयार हो चुका है। मैं इसमें चावल डाल दी, धीरे धीरे करके इसमें चावल डाल दी, एक साथ ही डाल दी, एक साथ डाल दी, सीटे लगते हैं एकदम भाप लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके इसको डाल देती। कोई भी चीज़ है थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए, किसी में आग के ऊपर किसी चीज़ की जल्दी नहीं करनी चाहिए, सीटे बहुत ज़्यादा लगते हैं। ऐसे वाले नमक वाले जीरा वाले, क्योंकि ऐसे चावल नहीं खाते हैं हमारे, बहुत कम मात्रा में खाते हैं, इसलिए इस तरह के चावल बनाते हैं। इसमें थोड़ा पानी और डाल देती हूँ, पानी की ज़रूरत है। चावल का मेजरमेंट मैं बना बता देती हूँ, मैंने इसमें एक गिलास चावल खा है, एक से डेढ़ गिलास चावल लिया है, और उसमें मैंने ढाई गिलास पानी मिलाया है, ढाई भी नहीं है, दो गिलास पानी मिलाया है मैंने इसमें, और डेढ़ ग्लास चावल लिया है, दो ग्लास पानी, डेढ़ ग्लास चावल, इसका मेजरमेंट यही है। और कढ़ी के लिए मैंने आपको बताया ही था, अब इसमें मैं नमक और मिला देती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। और मैंने सारे ढक्कन, कुकर, चम्मच वगैरह आपको मैंने डेढ़ पाउच ये लिया है, पैकेट लस्सी का, डेढ़ पैकेट लस्सी लिया है, और तीन चम्मच, तीन साढ़े तीन चम्मच बेसन लिया है, उसका मैंने पेस्ट बनाया है, घोल बनाया है। और इसका मैंने अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब जितने आपको चाहिए उतने अनुसार पकौड़े लिए, ये मुझे भी ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा हो गए कोई बात नहीं। और इसमें मैंने नमक टेस्ट के अनुसार डाला, और दो टमाटर लिए हैं, दो हरी मिर्ची लिए है इसमें, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार लिया है, भाई कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, मेरे यहाँ पे नमक कम खाते हैं इसलिए मैंने कम लिया है। और इसमें अब एक उबाल आ जाता है, भाई एक उबाल आ जाएगा तो इसमें फिर ये अच्छे से बत्ती जल जाएगी। तो चलिए इतना ये बन के तैयार है, तो मैं जरा थोड़े से बर्तन तैयार साफ कर देती हूँ और आटा लगा देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। तो गाइज बस मेरी कढ़ी भी बन के तैयार हो गई है, देख काफ़ी कट गई है, देखिए बिल्कुल एकदम बन के तैयार हो गई है। और इधर मेरी चावल भी बन के तैयार हो गई है, कुकर अभी खोला नहीं है, अभी कुकर खोलूंगी, चावल बन के तैयार होंगे इधर, और ये कढ़ी भी बन के तैयार, यहाँ तक थी काफ़ी कड़, यहाँ तक थी काफ़ी कड़ा दी है, तो ये बन के तैयार हो गई है। बस मैं ऊपर से इसे तड़का नहीं देती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग ट्राई करना एक बार, बहुत अच्छी बनी है। और भी देखिए एकदम मेरी खिड़की बनी है बिल्कुल अच्छे से,
एकदम बहुत अच्छे चावल बने हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ। शाम के 5 बज गए हैं जब मिल रही हूँ। गुड इवनिंग। और मैं यहाँ पे अपने बालों का कंडीशनर करने जा रही थी एलोवेरा से, तो मैं बस आप मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं किस तरह से अपने बालों पे कंडीशनर करती हूँ। जो लोग बालों पे ऑयल नहीं लगाता ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा है कंडीशनर। अपने बालों तेल भी लग जाता है और कंडीशनर भी हो जाता है। तो चलिए मैं आप इसकी रेमेडी बता देती हूँ मैं किस तरह से कंडीशनर बनाती हूँ अपने लिए घर में। इसके लिए मैंने दही लिया है। दही को मैंने पहले ही पतला कर रखा है, आप लोग अगर गाढ़ा रखना चाहते हो रख लें। अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग दही ले लेना। मैंने इतना लिया, मुझे इतना ही चाहिए। और इसमें एक चम्मच तेल ले लो, कोकोनट तेल है ये, एक से डेढ़ चम्मच तेल ले लीजिए। अपने बाल और अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लीजिए कितना में बाल तेल चाहिए। बाल लंबे हैं और ये एलोवेरा जेल है, इसको मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही, नेचुरल है ये, वैसा जेल नहीं है बाजार वाला, ये घर का ही नेचुरल है जेल। इसको 10 से 15 मिनट पहले ही मैंने काट के रख लिया था ये तो। और इसमें से जो ये इसका पीला पीला पल्स होता है ना, ये पानी सा होता है, ये निकल जाता है। और उसके बाद इसको भी अच्छे से साफ करके इसको बीच में से चीर, इधर से और इधर से इसको निकाल ले, पहले साइड से हटा लेते हैं इसको। मैंने इसे साइड से हटाकर इसको ऊपर से निकाल लिया और इसका जेल जेल है इसमें मिला दूंगी मैं इसको छोटे छोटे पीसों में करके। हाथ में बहुत लिक्विड है ये, एकदम ऐसे निकाल छोटे छोटे पीसों में करके इसको निकाल लेते हैं। जो लोग तेल नहीं लगाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा कंडीशनर है ये, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इससे बाल एकदम सिल्की हो जाते हैं, बाहर का कंडीशनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे लगाने के बाद तो। और इसमें इसको लगाने के बाद तो साथ में साथ शैम्पू भी कर सकते हैं, बस आधे घंटे के लिए रखना होता है और इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं बस इसको कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊँ। तो मैंने इसको बना लिया है, देखिए इस तरह से बना लिया है इसमें देखो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको देखिए। और एकदम और अपने थोड़े थोड़े से लेके अपने बालों पे लगा लीजिए इसको। मैं टॉवल लगा लेती हूँ क्योंकि सूट है इस पर गल जाएगा, इसलिए मैं इसको टॉवल लगा लेती हूँ पहले इधर और फिर लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा लिक्विड है ना इसलिए मैं इसको मैंने टॉवल लगा लिया है अपनी, जैसे कि अब मेरी सूट पे ना गिरे। और ये रेमेडी मैंने बना ली है तो मैं इसको बालों पे इसके अप्लाई करती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके बालों पे ऐसे ले लेके अप्लाई करती जाती हूँ। शीशा पे बिल्कुल इसको स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्प पे नहीं लगा सकते, इसको स्कैल्प पे भी थोड़ा थोड़ा करके लगा लीजिए क्योंकि ये नेचुरल है ना, नेचुरल कोई ख़राब नहीं होता है, ये बालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है ये। तो गाइस मैंने देख ली सारे बालों पे अपने पे अप्लाई कर लिया है इस तरह से, आगे भी लगा लिया पीछे भी लगा लिया है। ये नहीं है कि इसको हम केवल यहाँ लगा सकते, जड़ों में नहीं लगा सकते, इसको हम अपने बालों की स्कैल्प पे जड़ पे आराम से लगा लेते हैं। और इसको नीचे भी इस तरह से लगा लो बालों पे। तो इसको आधे लगाने के बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए रखना है अपने बालों पे। और उसके बाद इस अपने शैम्पू से धो सकते हैं इसको। ये भी नहीं है वही सिर धोने के बाद, अगर सिर धोने से पहले भी कोई इस कंडीशनर को करना चाहता है तो आराम से कर सकता है। बहुत ही अच्छा कंडीशनर है ये बालों के लिए, इससे बाल स्मूथ बनते हैं, सिल्की बनते हैं, एकदम बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं और इससे बाल झड़ते भी नहीं। एक बार आप लोग भी इसे अप्लाई करके ज़रूर देखना और मुझे बताना किस तरह की ये मेरी किस तरह का ये कंडीशनर आप लोगों को कैसा लगा, ये मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैंने ये इसको लगा लिया है, एक बार आप लोग भी बताना जरूर। और इसको अपने बालों को मोड़ के आधे घंटे के लिए रख लेना। तो मेरा टॉवल भी हट गया है, चलो मैं इसको सूखने देती हूँ, फिर आधे घंटे बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अपने बाल धो के नहीं, इतने में अपने घर की शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे अभी मुस्कान सो रही है, इसको मैं अभी दूध दूंगी बस अभी। और मैंने झाड़ू निकाल लिया और इसको मैं भी दूध देने के लिए जा रही हूँ इनको। और चेतन बाहर बैठा है, दोनों के लिए दूध बना रही हूँ। और इसको एलोवेरा को वैसे बताया चेहरे पे भी यूज कर सकते हैं, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं आपको, जब मैं आपको बताऊंगी, आज नहीं बनाऊंगी किसी और दिन बनाऊंगी। चलिए पहले मैं इनको दूध दे देती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो देखा अंधेरा हो रहा है, यहाँ लाइट को जगा देती हूँ, किचन में आ रही थी लाइट ला रही थी। अभी मैं बस बर्तन लगाऊंगी और यहाँ पर चेतन मुस्कान के लिए मैं दूध बनाने आई हूँ, मैं इनको दूध बना के दे देती हूँ।
और झाड़ू तो मैंने लगा ही दिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था कि झाड़ू लगाना, झाड़ू मैंने लगा दी। बस मैं इन दोनों के लिए दूध बनाने आई थी, इनको दूध बना देती हूँ किचन में, और ये साथ ही बर्तन लगा दूंगी और फिर मैं अपने सिर को धो लूंगी। ये मेरा देखो अब बिल्कुल सूख गया है, हाथ लगाने लायक हो गया है बिल्कुल, सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अब इन बालों में। तो आप लोग भी एक बार इसको जरूर ट्राई करना, इस तरह से बहुत अच्छा है ये वाला कंडीशनर, एक बार आप लोग ट्राई करके दिखा बताना किस तरह का है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते कोई, तो मुझे पता कैसे लगेगा आप लोगों को भी क्या है, क्या चाहते हो वीडियो में कैसे, तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए मैं दूध बना देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो गाइज़ बस मैंने सर धो लिया है, एक बार आप भी इस कंडीशनर को ज़रूर यूज करना, बहुत यूजफुल है कंडीशनर, बहुत अच्छा, इससे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, एकदम सिल्की स्मूथ से बाल हो जाते हैं। जो लोग तेल लगाना पसंद नहीं करता ना, उनके लिए बहुत यूजफुल है, हफ्ते में एक बार भी लगा लोगे तो बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे इससे। तो बस मैं यहीं पर ही इस वीडियो को ख़त्म करूँगी, और बस आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना एक बार। देखिए मैं अपने बाल खोल के दिखाती हूँ, अभी गीले हैं लेकिन हाँ मैं दिखाती हूँ, आप देखो देखिए एकदम बहुत ही देखिए स्मूथ से हो गए हैं, देखिए हल्दे हुए हैं लेकिन बहुत अच्छे हो गए, यूज एकदम स्मूथ से लगा, हाथ लगाने में भी अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को भी दिख रहे होंगे मेरे बाल किस तरह के हो रहे हैं, और पहले किस तरह के थे, मतलब अजीब से हो रहे थे, लेकिन अब देखिए आप एक बार आप भी यूज करना, इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं आप लोगों से इसलिए बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर कर दी। मैं अपनी इस बालों को इसी तरह से ही कंडीशनर करती हूँ, मैं बाहर का कंडीशनर यूज़ नहीं करती, मैं इसी इस कंडीशनर को बनाती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत लगती है तभी मैं इस कंडीशनर को यूज करती हूँ। और हाँ बस मैं आपको, मेरा चैनल अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखे करिए, क्योंकि जब तक आप लोग पूरे देखोगे नहीं तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि मेरी वीडियो में है क्या। तो जब तक आप नहीं देखोगे तो पता कुछ नहीं लगता है, स्टार्टिंग में देख के ही आप लोग उसको स्किप कर देते हो, तो इसलिए पूरी वीडियो देखना प्लीज़ भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशन, नई नई वीडियो मेरी आप लोगों के पास पहुंच सके, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो मैं आप लोगों को यहीं पर ही बाय करती हूँ, बाय।